इफ एल्स स्टेटमेंट्स इफ स्टेटमेंट भितर एल्स पार्टा ऑप्शनल थिला आ पूर्व जो एग्जांपल आम पढ़ीचे इफ स्टेटमेंट विषय पढ़ी तो से स्टेटमेंट भितर आम एल्स टाक इग्नोर करते तो एल्स स्टेटमेंट को आड कर तो वर्तमान ये जो इफ एंड एल्स स्टेटमेंट आम इफ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट को आड कर देखा एंड इफ स्टेटमेंट क्या भी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट व्हिच एक्जीक्यूट व्हेन द बुलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स तो एल्स स्टेटमेंटा केतबेले एक्जीक्यूट करिवो ना जेतबेले कंडीशनटा फॉल्स रहिवो तो सेही समय रे एल्स स्टेटमेंटा एक्जीक्यूट करिवो तो जेतबेले कंडीशनटा ट्रू रहुतिला तबेले इफ स्टेटमेंट एक्जीक्यूट करतिला जेतबेले कंडीशन फॉल्स होतला ताले कोनोसी पार्ट एक्जीक्यूट करनोतिला किंतु एल्स रे कोन आसिला ना जदी कंडीशनटा ट्रू अछि ताले इफ भितरे थिबा स्टेटमेंट को से एक्जीक्यूट करिवो जदि कंडीशनटा फॉल्स अछि ताले एल्स पार्ट रे थिबा स्टेटमेंट को एक्जीक्यूट करिवो तो वर्तमान ए सिंटैक्स देखिबा सिंटैक्स से देखो इफ देन कंडीशन तो कंडीशन गोटी अछि से कंडीशन को चेक कला परे जदि कंडीशनटा ट्रू आसुछि विदिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस इफ रो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस भितरे थिबा स्टेटमेंट गुडी को एक्जीक्यूट करिवो जदि कंडीशन ट्रू आसुछि जदि कंडीशन फॉल्स आसुछि ताहले से एल्स पार्ट रे थिबा स्टेटमेंट गुडी को एक्जीक्यूट करिवो एल्स पार्ट रे ओपनिंग आउ क्लोजिंग ब्रेसेस भितरे थिबा समस्त स्टेटमेंट को से एक्जीक्यूट करिवो तो वर्तमान आमे गुडे प्रोग्राम थ्रू रे ये सब इफ एंड एल्स स्टेटमेंट को देखिबा तो वर्तमान देखो ये प्रोग्राम आमे डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर लिखिछे तो वर्तमान देखो प्रोग्राम रे आमे गुडे वेरिएबल लेछे न तार ना आछि एटी अछि एंटर द नंबर आम गोटे प्रम्प्ट लिखीचे थ्रू द प्रिंट ए फंक्शन आम ऑलरेडी प्रिंट ए फंक्शन विषय पढ़ीचे तो प्रिंट ए फंक्शन में आम ये जगह गोटे प्रम्प्ट लिखीचे जे कि प्रोग्राम को रन कले तो ये प्रम्प्टा तो यूजर को डिस्प्ले कर तो ये कौन आसूची प्रम्प्ट ना एंटर द नंबर गोटे नंबर एंट्री करने यूजर को कह तो यूजर कौन कर गोटे नंबर इनपुट करेंटी स्कान ए फंक्शन रखीचे स्कान ए फंक्शन इनपुट फंक्शन आम ऑलरेडी पढ़ीचे तो इटी जो यूजर वैल्यू इनपुट करिवो से कौन करिवो ना नॉम वेरिएबल रे स्टोर करिवो ओके तो वर्तमान देखिबा इफ एंड एल्स जो स्टेटमेंट रो तारो काम कौन देखो ये जो पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट आमे ए जगह लिखीचे तो इटा कंप्लीट इफ एंड एल्स पार्ट इटी आमे इफ रो इटी कंडीशन लिखीचे कंडीशन गोटे अच्छे जदि से कंडीशन ट्रू अच्छी ताले ए पार्टा को से एक्जीक्यूट करिवो जो पार्टा को सिलेक्ट करिछि जदि कंडीशन फॉल्स अच्छी ताले ए पार्टा को से एक्जीक्यूट करिवो तन डिपेंड करछि का ऊपर ना कंडीशन ऊपर को पार्टा को से एक्जीक्यूट करिवो बा को पार्टा को एक्जीक्यूट करिवो नाही तो कंप्लीटली कंडीशन ऊपर डिपेंड करछि तो वर्तमान ए जो कंडीशन कोन लिखिछे नॉम स्मॉलर देन 0 नॉम लेस देन 0 जदि जो नॉम वैल्यू यूजर इनपुट करिवो गोटे वैल्यू इनपुट करिवो नंबर इनपुट करिवो से नंबर जदि 0 ठारु सानो अछि ताले से कोन आसीबो ना एस जदि कंडीशन टा ट्रू अछि ताले एस आसीबो एठी कोन करिवो ना ए पार्ट टा को से एग्जीक्यूट करिवो ताले ए पार्ट टा कोन कहू जे द नंबर इज नेगेटिव जदि 0 ठारु सानो अछि ताले से नंबर टा कोन नेगेटिव नंबर जदि 0 ठारु सानो नाही ताले से कोन आसीबो ना द नंबर इज पॉजिटिव तो वर्तमान देखो आमे प्रोग्राम को रन करिवा F11 ए जगह प्रेस कली तो प्रम्प्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम देखो प्रम्प्ट आसला एंटर द नंबर एटी आम नंबर इनपुट करिवा सपोज मुझे नंबर इनपुट कली 5 तो आसला द नंबर इज पॉजिटिव तो नंबर टा पॉजिटिव बोली आसला तो वर्तमान देखो मु आउ थे प्रोग्राम को रन करुच्छी तो वर्तमान से जगह मुझे -5 ये एंटर कली देन प्रेस एंटर प्रेस कर देख आसला द नंबर इज नेगेटिव तामने तो कंडीशन ऊपर डिपेंड करछि से को पार्टा को से एग्जीक्यूट करिवो ए पार्टा को हम इफ रो पार्ट पहुंचे एटा को एल्स पार्ट पहुंचे तो एल्स पार्टा एग्जीक्यूट केतबेले करछि ना जेतबेले हम कंडीशन टा फॉल्स होछि देखो हम ए जगह रे कोन करछि ना ओपनिंग आउ क्लोजिंग ब्रेसेस जो गोटा को इफ रो ताकु इग्नोर कर दे छाड़ी दे छे वर्तमान देखो मैठी इफ रो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस दउछि एल्स रो मध्ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस तो ओके वर्तमान क्वेश्चन प्रोग्राम एका आसीबो रिजल्ट एका आसीबो तो आमे इटी
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस न लिखले भी आसा लिखले भी आसा तो आम कौ जगार लिखा कौ जगार न लिखा देख बर्तमान जदि आमर एक्जिक्यूशन करवा स्टेटमेंट जदि मोर दैन वन स्टेटमेंट अच्छी ताहले से जगह कंपलसरी आमको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस दबाको पड़ो जदि गोटे रु अधिक स्टेटमेंट अच्छे से गोटे स्टेटमेंट थी आमे से जगह ओपनिंग आउ क्लोजिंग ब्रेसेस दे नी जदि मोर दैन अच्छी वन स्टेटमेंट अच्छी से जगह कंपलसरी दबाक पड़ो नचे से गोटे स्टेटमेंट को एक्जिक्यूट कर देन परवर्त स्टेटमेंट को एक्जिक्यूट करना ओके एल्स मैंने जदि आमे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस भितर नंबर ऑफ स्टेटमेंट को एक्जिक्यूट करिवार अछि ताहाले हमको कंपलसरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस दबाकू पड़िबो। तो वर्तमान देखो मुझे प्रोग्राम टाक रन कर देखु देखो समान आसला मुझे -4 इनपुट कली देख बर्तमान आसा तो नंबर इज नेगेटिव ओके okay?